बिल्कुल डिम्पी, ये जो आज शिक्षक दिवस के मौके पे मैं आपको, आपके सभी दर्शकों को और बाकी भी पैनल को सबको एक हार्दिक बधाई देता हूँ। और मुझे लगता है कि गुरु का जीवन में एक अहम रोल होता है। सबसे पहले तो मैं गुरु के रूप में अपने जो ग्रैंडफादर है और मेरे जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जिनके वैल्यूज़, जिनके प्रिंसिपल्स के ऊपर मैं चलता हूँ, तो मुझे लगता है वो सबसे पहले गुरु थे। और उसके बाद मैं जिनको एक याद करना चाहूँगा वो मेरे जो बीकॉम के ज़माने के, मतलब कॉलेज मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज कैलकटा से किया है, वहाँ पर मुझे जो अकाउंट्स और फाइनेंस के मेरे जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर मुखर्जी, जो अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है, तो उनसे मैंने सीखा है अकाउंटिंग और फाइनेंस के बारे में। और एक उस दौरान उसी समय मैंने शेयर बाजार में अपना पहला निवेश किया था और वो उनको मैं समर्पित करना चाहूँगा। तो उस लिहाज से मैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो स्टॉक के बारे में डिस्कस कर सकता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम तो यही वेट कर रहे हैं। हाँ, तो इसके साथ एक मेरा एक इमोशनल टच भी है। जब मैं अपने कॉलेज के डेज में जो पहला स्टॉक मैंने खरीदा था, वही आज मैं रिकमेंड करने जा रहा हूँ, बाजार की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक्चुअली इसके साथ एक किस्सा भी है कि उस दौरान एक गल्फ वार छिड़ा हुआ था, भारत की इकोनॉमी पे काफ़ी प्रेशर था, दुनिया भर के बाजार बहुत गिर चुके थे और ऑयल प्राइसेस अपने हाईज पे थे, भारत बिल्कुल एक डिफॉल्ट के कगार पे था। तो उस समय बाजारों में जो गिरावट आई, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बहुत अच्छा मौका दिया और मेरा पहला निवेश था जो कि कुछ एक आध महीने में ही करीबन 50% के रिटर्न्स दे दिया था, तो उसने मुझे एक प्रोत्साहन दिया और उसके कारण से मैं स्टॉक मार्केट्स में आया। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक बेहतरीन कंपनी है। आज भी मैं चाहूँगा कि लंबे अवधि के निवेश के लिहाज से स्टॉक को बिल्कुल खरीदना चाहिए। मुझे लगता है इनके जो भी बिजनेसेस हैं, चाहे वो पेट्रोकेमिकल्स का है, ऑयल रिफाइनिंग का है, इसके अलावा जो रिटेल का बिजनेस है, टेलीकॉम का बिजनेस है, सभी बिजनेसेस बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। न्यू एज बिजनेसेस पे एक अच्छा खासा फोकस है। फिर जो कंपनी ने हाल ही में जो कैपेक्स किया है वो सब अब कंप्लीट हो चुका है, उसका एक पॉजिटिव जो इनफ्लोज है, कैश फ्लोज है, वो सब आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले सालों में देखने को मिलेंगे। मेरा तो कहना है कि ये जो कंपनी है, ये 8 लाख करोड़ की मार्केट कैप है आज की डेट में, समवेयर अराउंड 8 लाख करोड़, आज कुछ कम होगी, बाजार पिछले कुछ दिनों से खराब है, 2-3 दिनों से, बट ये एक इतनी बड़ी बेस के ऊपर जो परफॉर्मेंस है कंपनी का वो एक बिल्कुल शानदार रहा है। ये मेरी, मैं तो इसको कहूँगा कि एक हाथी है जो कि घोड़े की दौड़ लगा रहा है और मुझे लगता है इस स्टॉक में इन लेवल्स पे भी निवेश करना चाहिए। एक साल के अंदर मुझे लगता है इसमें हम 1600 रुपये तक के लक्ष्य देख सकते हैं, तो इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी।